नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। एजुकेशन फील्ड की हर कॉम्पिटेटिव अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एजुकेशन फील्ड में हमारे कोर्सेज भी चलते हैं। इस वीडियो में हम कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक दोनों के ऊपर बात करेंगे। 19 सितंबर को शिक्षा सचिव द्वारा जो आदेश जारी होता है पत्र के माध्यम से कि जो शारीरिक शिक्षक और कला अध्यापक हैं उनका युक्तिकरण किया जाए, मीन्स कि ऐसे स्कूल जहां पर 100 से कम छात्र हैं वहां से टीचर को हटाकर जहां पर 100 से अधिक छात्र हैं वहां पर जो है वो ट्रांसफ़र अध्यापकों की जाए, तो ये आदेश जारी हुआ था। बट इसका विरोध जो कला अध्यापक के संघ हैं साथ में जो शारीरिक शिक्षकों के संघ उन्होंने किया है कि मान लो किसी स्कूल में 100 से कम स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से टीचर हटाकर कैसे दूसरे स्कूल में भेजा जा सकता है, तो जो 100 से कम स्टूडेंट्स हैं उनको कौन जो वहाँ पर पढ़ाएगा। जब इसके विरोध की सूचना सीएम तक पहुंचती है तो वो जो है इस आदेश को रद्द कर देते हैं। हम आगे पोस्टों की बात करें तो कुछ दिन पहले एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो 5251 पोस्टें हैं जो कैबिनेट से अप्रूव हुई हैं उनका टेंटेटिव डाटा जो है वो बताया था। उसमें साथ में ये भी लिखा था कि कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षकों से संबंधित भी पोस्टें आने वाले दिनों में फिल होंगी जो भी रिक्वायर्ड होंगी। इनके साथ साथ एलिमेंट्री से कुछ और डाटा सामने आया है जिसमें सीएनबी की अभी तक लगभग 4795 पोस्टें वैकेंट चली हुई हैं। बहुत से मैसेज रहते हैं शारीरिक शिक्षकों से संबंधित कि अपडेट हमारी कहां तक पहुंची है। बहुत से जो है वो माननीय हाई कोर्ट में केस शारीरिक शिक्षकों से संबंधित काफ़ी लंबे टाइम से चले हुए हैं, कई बार फैसले भी आते हैं बट अगेन जो केस हो जाते हैं। तो लास्ट हियरिंग अभी 20 सितंबर को हुई है, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट 29 सितंबर को शारीरिक शिक्षकों से संबंधित जो भी केस अभी चला है उसमें है। और हम कला अध्यापकों की बात करें तो उनसे भी संबंधित जो पोस्ट कोड 980 है उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और वो भी अभी विजिलेंस के अंतर्गत ही अभी तक कार्रवाई में है। तो ये अपडेट दोनों से संबंधित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।